हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल निक ज्योत वर्ल्ड। सो आज मैं बनाऊंगी Q&A व्लॉग, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और मैंने इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी भी लगाई थी। काफ़ी लोगों ने पूछे क्वेश्चंस, तो आज मैं उसका आंसर दूंगी। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कोई भी आपने सुजेशन देना, आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी, आज मेरे को हल्का सा जुकाम हो रखा है। करते वीडियो शुरू, लेट गेट स्टार्टेड। मैं अपनी बस का वेट कर रही हूँ, ये ऐसे मत समझना फोड़ा हुआ, मैं टॉफी खा रही हूँ और मैं बस की वेट कर रही हूँ। देखते हैं, यहाँ लेट होती है हर बार बस, मैं इतना ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ ना कासिल हिल से, क्या कर सकते हैं। सो अभी बस की वेट कर रही हूँ, जब भी बस आए बस ले लूँगी। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से जो पूछा गया, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस को कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो आपकी अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज ले रहा है ना, तो वो तो ऑब्वियसली अपनी फ़ीस कलेक्ट कर ही लेगा। इजी होती है कॉलेज की फ़ीस निकालनी, क्योंकि वो पर सेमेस्टर 7000 कुछ या 8000 कुछ होती है। बट अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कई बार घर से भी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि उसकी 14000 तक भी होती है ना। कोर्स पे भी डिपेंड करता है और आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। सो फीस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो लाइक कॉलेज वगैरह में हो तो ईजिली अपनी फ़ीस जो है कलेक्ट कर लोगे आप। इसके बाद मेरे से पूछा इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में, जो एयरपोर्ट पे पूछे जाते हैं। तो इसका लाइक कुछ नहीं आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ने आए हो, काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है ये जानने के लिए कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं, पढ़ने आया है कि नहीं, लाइक इसको अपने खुद के स्टडी के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं, ठीक है। तो वही होता है, कोर्स के बारे में पूछते हैं मेनली, कौन सा कर रहे हो, कितने समय का है, कितने फ़ीस आप लाइक कितनी फ़ीस है आपकी एंड लाइक दैट। अगर चाहते हो तो प्रॉपर इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना इस बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि लाइक PT या फिर IELTS में कौन सा बेस्ट है ना, मेन जो पूछते हो आप लोग, या PT अच्छी है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सो जो PT और IELTS है वो एक तरह से ही माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। PT के स्कोर्स और IELTS के स्कोर एक बराबर ही समझते हैं वो, तो उसका वो नहीं है कि अगर आपने PT किया तो आपको कम प्रेफरेंस दी जाएगी, IELTS किया तो ज़्यादा, नहीं वो नहीं है, इक्वल है दोनों। यार कासिल हिल का स्टेशन कितना अच्छा बना हुआ है ना, ये तो मेट्रो स्टेशन है इधर साइड में, और वो बस स्टैंड है, और इधर कितना अच्छा पार्क है ना, लाइक सीटिंग एरिया भी यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो आफ्टर नहीं, आफ्टर तो आपने लाइक जो करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने जो भी आपको लाइक आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, बट मैं बताऊंगी बिफोर का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपको मतलब कुकिंग आनी चाहिए, घर पे कुकिंग करते रहा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कुकिंग क्लीनिंग है ना। और उसके बाद आप कुछ भी सीख कह सकते हो, जो आप खुद का भी बिजनेस कर सको यहाँ पर, जैसे हो जाता है अब पार्लर का काम हो गया है ना, मेकअप का काम ये सीख के आना है ना, स्टिचिंग हो गई, कहीं पे भी आपको इजीली जॉब्स मिल सकती है, मेहंदी वगैरह लगानी, ये चीज़ें ज़रूर सीख के आना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। और बाकी पढ़ाई वगैरह तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो यहाँ पे आके। यहाँ पे ये नहीं आपका बैकग्राउंड क्या था है ना, वो देख के नहीं कोर्स वगैरह मिलता, बट आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे फिर यहाँ आने के बाद। बट इंडिया से सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे सीखने के बहुत पैसे लगते हैं, स्विमिंग वगैरह भी, मैं तो कह रही हूँ इंडिया से सीख के आना। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है PR पाथवे फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो बहुत सारे पाथवेज हैं, सिर्फ एक नहीं है, मेडिकल का अलग पाथवे है ना, कॉमर्स का अलग पाथवे है। तो अगर मेडिकल में हो आप तो नर्सिंग बेस्ट है पाथवे, और उसके बाद इसका अलग 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 होता है पाथवे, इजी होता है। बट आजकल क्या है, डिप्लोमा जो है ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इन्होंने TR जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है,
बट लाइक अगर आप बैचलर्स करोगे तो 3 साल की बैचलर्स, उसके बाद आपको 4 ईयर्स की TR मिलेगी। तो मैं कहती हूँ बैचलर्स ही अच्छा है। अगर आप डिप्लोमा लोगे फिर से आप लाइक स्किल असेसमेंट करोगे उतने टाइम के लिए, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, तो आपको किसी कॉलेज की CO ही लेनी पड़ेगी, एडमिशन लेनी पड़ेगी, फिर से वही स्टडी करते रह जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बैचलर्स की। और उसके बाद PR तो आपको लाइक एजेंट ही प्रॉपर गाइड करेगा, क्योंकि हर एक फील्ड का अलग पाथवे है, ठीक है। तो उसका मैं पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बता सकती कि ऐसे करके ऐसे होगा। फाइनली मुझे बस मिल गई और पीछे देखो सारी बस खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्यूज़ल केसेस वाले क्या कर रहे हैं, है ना। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, अगर आप ट्राई करना चाहते हो दोबारा तो कर लो। मतलब कहते हैं कि चांसेस कम होते हैं, बट आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। आप ट्राई कर सकते हो अच्छे एजेंट से, और फिर या फिर आपके अगर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आई है, कैनेडा की ट्राई कर लो, UK की ट्राई कर लो, है ना, अगर आपने जाना ही है बाहर। इसके बाद किसी ने पूछा है मंथली एक्सपेंसेस, तो मेरे जो रेंट है मंथली 500 तक चला जाता है और ग्रोसरी 400 तक हो जाती है ना, 300 to 400 तक हो जाती है। सो बाकी मैं इस पर पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी कि आप जब स्टार्टिंग में आओगे तो आपको कितने पैसे चाहिए किस किस चीज़ के लिए, और मंथली एक्सपेंस की मैं पूरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप्स बस आ गई, फिर बताती हूँ।